हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस रोज़ के प्लांट में बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछ रहे हैं मुझे, आपके प्लांट में कितना काफ़ी फ्लावर आते हैं, हमारे प्लांट में फ्लावर क्यों नहीं आते हैं और हेल्दी प्लांट में नहीं है। फ्रेंड्स, इसका ट्रिक मैं आज बताने जा रही हूँ। इसको किचन का मैं वेस्ट रोज़ इसको देती हूँ। आप चाय तो रोज़ घर में बनाते होंगे, उसका चाय पत्ते आप एक हफ्ते भर कलेक्ट करते जाइए एक बाउल में। उसको आप सुखाने के लिए छत पर धूप में रखिए। उसको सूखने के बाद कच्चे चाय पत्ती आप मात्र डालिए। सूखने के बाद आप इसको दे दीजिए एक हफ्ते के बाद, तो और पुराने फूल ऐसे पेटल गिरते वक्त आपको ज़रूर कट करना चाहिए। अगर आप कट करेंगे तो इस तरह का रूट्स आएंगे, देखिए ब्रांचेस आएंगे, अच्छे नए ब्रांचेस आएंगे और कलियां भी आएंगे, ढेर सारा फूल आपको मिलेगा। आप ऐसे ही रहने देंगे तो नया फ्लावर आपको नहीं मिलेगा और हेल्दी प्लांट भी नया ब्रांचेस होके हेल्दी प्लांट भी हो जाएगा। आप रोज़ इसको कलेक्ट करके हफ्ते 6 दिन तक कलेक्ट करिए, वो चाय पत्ती इस प्लांट को दे दीजिए। और किचन का कुछ कोई भी आप वेजिटेबल कट करते हैं वो सब उसी में मिला के इसको दे दीजिए, फर्टिलाइजर हो जाएगा और आपका प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।